सबसे पहले यहाँ पे नारी सम्मान किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे एज अ महिला, कितना जरूरी है आज के टाइम में नारियों का सम्मान करना, उन्हें मोटिवेट करना? मुझे वैसे तो लगता है कि नारियों का सम्मान हर दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, क्योंकि नारी जो है सुबह से लेकर रात तक पूरी अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रही होती है, चाहे फैमिली के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, तो उसका सम्मान रोज़ होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से एक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है, नारी सम्मान शक्ति को अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह से एक रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, जो भी नारियां मतलब जो भी अपने क्षेत्र में हैं, वो एक सही काम कर रही हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत मतलब नारी शक्ति सम्मान का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक मीडिया से हैं, काफ़ी पुराने जर्नलिस्ट हैं, क्या करें, अवार्ड के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ देखिए, काफ़ी सारे नारी अवार्ड आप कर चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं। देखिए, मैं मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई भी जर्नलिस्ट हो या कोई भी कलाकार हो या कोई भी जो अपने क्षेत्र में काम करता है, वो अवार्ड के लिए काम नहीं करता है, लेकिन जब उसको अवार्ड मिलता है तो ये लगता है कि उसके काम को एक पहचान मिली है, उसके काम को एक रिकग्नाइज किया गया है, तो वो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जो इस वक्त मुझे हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।